और मैं आज कई दिन से सुन रहा हूं हमारे इधर के साथी एक ही बात बता रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। हम आपका ध्यान थोड़ा सा खाली बताएंगे कि उधर क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है। नहीं ये सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। वैसे ही आपसे ज्यादा अच्छा कोई बता भी नहीं सकता। आप काहे परेशान? माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा पर बोलने का आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। महोदय, मैं जब यहाँ महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो रहा था तो मैं बैठ करके सुन रहा था, और मैं आज कई दिन से सुन रहा हूँ हमारे इधर के साथी एक ही बात बता रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। हम आपका ध्यान थोड़ा सा खाली बताएंगे कि उधर क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है। नहीं ये सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। वैसे ही आपसे ज्यादा अच्छा कोई बता भी नहीं सकता। आप काहे परेशान? माननीय अध्यक्ष जी, चिंता नहीं, चिंता नहीं हमें उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। शायद पता नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसी सदन में कहा था कि जो दिव्यांग सबसे देश में गरीब कमजोर समझा जाता है, जिसके पास किसी के हाथ नहीं, पैर नहीं, नकुला नहीं, आंख नहीं, मुंह नहीं, उसके तरफ भी आपका, आप लोगों का ध्यान नहीं था। उसके तरफ जिसके पास हाथ मुंह नकुला था, पैर था, गोड़ था, उसको आप 300 रुपया पेंशन देते थे। जिसके पास हाथ पैर गोड़ हाथ मुंह नकुला था उसको 500 देते थे। बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, 300 से बढ़ा के 500 किया, आज 1000 रुपया कर दिया। 1000 रुपया, ये आपको नहीं समझ में आएगा, ये बात नहीं समझ में आएगा आपको। दूसरी चीज नहीं समझ लीजिए, काहे घबरा रहे हैं? हमारी मंत्री की चिंता आप मत करो, अपनी चिंता करो कि 27 के 27 में आप लोग कुछ लोग बचोगे कि नहीं बचोगे, इसकी चिंता आप करो, हमसे मत पूछो। मैं बार बार कहता हूं हमारी चिंता मत करो। देखो जो मैं बता रहा हूं भैया, देखो आपकी भी सरकार थी, जरा अपना दिल पे हाथ रख के देखो। हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं, हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। अगर आपके आजमगढ़ में विश्वविद्यालय खुला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुला, आप सांसद थे हमारे पचपच के नेता, लेकिन याद नहीं आया। आप चले जाइए बहराइच, पार्क बना है, जाके देख भी लीजिएगा, कहीं कभी टहलते हुए जाइएगा। अगर तेल का पैसा दिक्कत हो तो हमसे ले लीजिएगा, जाके देखिए। महाराजा सुहेलदेव की भव्य मूर्ति बनी है और पूरा पार्क बना, चित्तौड़ा झील का सौंदर्यीकरण हो गया। और आगे देखिए, और सुन तो सुनिए तो भाई, और आगे देखिए। ये लोग भाई देखिए, माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी जरा व्यवस्था दीजिए, माननीय अध्यक्ष जी जरा व्यवस्था, इधर की सरकार नकल से, अवधेश जी सब लोग नकल रहित परीक्षा कराना चाहती थी, इधर की सरकार नकल रहित परीक्षा कराती थी, महापुरुष की सरकार नकल रहित परीक्षा करा करके दिखा रही है, महापुरुष सबके हैं, जागरूक करके महापुरुष सबके होते। ये काम तो नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिखाई दे रहा है। अब आगे देखिए, महिला यात्रियों को, महिला यात्रियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा, ये तो आपको नहीं, आधी आबादी पर चिंता कौन कर रहा है, उधर के लोग कर रहे हैं, इधर के लोग तो कुछ नहीं कहे। अब आगे देखिए ना, हम गिनाई दे रहे हैं सब ये नहीं, आप सुनिए भाई। देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आप लोग भी आते होंगे, आजमगढ़ के, मऊ के, बलिया के, गाजीपुर के लोग आते हैं। आप सही काम का उसका
अब आपके नेता ने अगर आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, भाई सुनो देखो, हम आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला, आपके नेता अगर बोलने लगे तो ओम प्रकाश राजभर खड़ा होके एक एक सवाल पर बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। आपको आप भी नहीं बोले, ये भी नहीं बोलेंगे, बुरा लगेगा तब आप नहीं, नहीं आप भी नहीं, ये नहीं, भी हम बोल रहे हैं, हम तो कुछ कह नहीं रहे। आप बोलिए, सही बात है। अरे आप कहां पीछे उनके चक्कर में पड़े, आप बोलो। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज बोलिए। ये पीजिए पीजिए बहुत चिल्ला रहे हैं, अभी हमारे साथी आशीष पटेल जी बोल रहे हैं, मंत्री जी कौन कोई तो उनके ऊपर इशारा था, हमारे माननीय संजय निषाद जी बोल रहे थे तो बड़ा इशारा था पीडीए, पीडीए का काम तो इधर हो रहा है भाई। मैं इतिहास मैं देखिए मैं पढ़ा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करूंगा कि जितना समय कांग्रेस को दिया उतना समय हमको भी दीजिए। नहीं नहीं, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। नहीं, सबको सबको देना है। आप, नहीं, आप, हमारी बात मान्यवर पूरा हो जाए। नहीं, आप खत्म करिए। नहीं, बात आई है पीडीए के नाते मैं कह रहा हूँ। नहीं, संसदीय कार्य आप अपनी बात सीधा करिए, आप इधर उधर के चक्कर में मत रहिए। सपा सरकार ने अपने कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग विभाग को औसतन 1300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के लिए बजट देते रहे, और इधर होता क्या था कि 15 लाख छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते थे, और इधर क्या हुआ है, जस्ट दुगुना 2400 करोड़ से अधिक प्रतिवर्ष रुपया देकर 7 वर्षों में औसतन 25 लाख से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है। ये काम इधर हो रहा है और आप पीडीए की बात कर रहे हैं। किस पीडीए की बात कर रहे हैं, जब आपके पास पावर था पिछड़ों को हक देने की बात, तब आपको याद नहीं आई। राजभर जी का आया जाओ बात कर रहे हैं, नहीं उनको हमारे सिक्योरिटी वाले दीजिए, उधर से सिक्योरिटी वाले जाके ले ले फोन। माननीय आप चुप रहिए, आपने नहीं व्यवस्था करनी, प्लीज मैं आपका ध्यान फोन लेने पिछड़े वर्ग के बेरोजगारी